एमएसपी पे कोई बात नहीं की है, अभी तक सरकार ने केस वापसी की कोई बात नहीं की है। हमने 750 लोगों की कुर्बानी दी है, क्या कहेगी सरकार? और एक पर भी आंसू नहीं बहाया। 48,000 रुपए पे मुकदमे, कैसे तुम्हें छोड़ के चले जाओ? किसान संसद कूच करेंगे या नहीं, और तीनों कृषि कानून संसद में वापस हो जाने के बाद आंदोलन खत्म होगा या नहीं, इन तमाम बातों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता कुंडली बॉर्डर पर जुटे हैं, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और फिर आगे की रणनीति भी बनेगी। तमाम किसानों और खुद सरकार की नजर इस बैठक पर होगी। इस दौरान बैठक में शामिल होने पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार मान नहीं जाती वो उठेंगे नहीं। शहीदों को मुआवजा देने की कोई बात नहीं की है, बिजली बिल पे कोई बात नहीं की है, तो लेकिन जो तीन कानून वापस लिए हैं और उनको वो कैबिनेट में भी पास कर दिए, आगे संसद में भी पास करने के लिए रख दिए हैं, उसके ऊपर विचार किया जाएगा कि हमें 29 तारीख का जो हमारा संसद कूच का प्रोग्राम था उस पर हमें क्या फैसला लेना है, और सरकार ने बाकी मुद्दों को जो नहीं छुआ है, जिनके लिए हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, उन पे हम आगे क्या रणनीति बनाएं, सरकार की तरफ से क्या अभी तक कोई बात अगर आई है तो उसमें मीटिंग में विचार किया। और मुकदमे हैं, 48,000 लोगों पे मुकदमे हैं, कैसे उसको छोड़ के चले जाएं? 48,000 लोगों को कैसे जेलों में जाने के लिए छोड़ दें? हरियाणा के हैं तो, दिल्ली के और हैं, कहीं कहीं के और हैं, तो जब तक वो सरकार मानेगी नहीं तब तक हम नहीं उठेंगे, और सरकार जो है फिर इसके लिए हमें उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे फिर। सिंघू बॉर्डर पर लगे मोर्चे पर हो रही इस बैठक में शामिल होने के लिए देश भर से किसान नेता पहुंचे, जिनका कहना है कि इस आंदोलन में जितने लोग मारे गए उतने तो जलियांवाला बाग में भी नहीं शहीद हुए थे, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने दुख नहीं जताया। इन काले कानूनों का विरोध करते हुए जितनी दुर्दशा, जितना सरकार का जुल्म और जाति और तशद्दुद हमने झेला है, किसी ने नहीं झेला। 750 लोगों की कुर्बानी, इतने तो शायद जलियांवाला बाग में भी नहीं रहे होंगे। हमने 750 लोगों की कुर्बानी दी है, क्या कहेगी सरकार? और एक पर भी आंसू नहीं बहाया। मुझे खुशी होगी कि संसद के अंदर जब तीन काले कानूनों की वापसी हो, देश में प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है, या तो मैं चाहता हूं कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी हमारे शहीदों को शहादत की, उनकी शहादत पर उनको याद करके उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करें, उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, ये अच्छी बात होगी। ले लेंगे ये जो मोदी जी ने ऐलान किया है कि इतने कृषि कानून जो रद्द किए जाएंगे और MSP का कानून बनाया जाएगा, उसके बाद मतलब जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उन्होंने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि आज फैसला लेंगे कि आगे क्या करना। कमेटी बना दी गई है MSP पर? नहीं, अजय नहीं बनाई, 29 तारीख को जब कृषि कानून रद्द करेंगे उसके बाद PM अनाउंस करेगा। उधर बैठक शुरू होने से पहले किसान नेताओं द्वारा आंदोलनकारी किसानों को सम्मानित किया गया, साथ ही आंदोलन में मारे गए किसानों को भी याद किया गया। अब देखना यह है कि जब बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उससे कौन कौन से नए ऐलान आंदोलन को लेकर किए जाएंगे। सोनीपत से पवन नाठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।